तो फाइनली सीरीज रिलीज हो गई है, जिसका मुझे इंतजार था वो मुझे देखने को मिल गया। तो गाइज अभी मैंने जुआ वेब सीरीज को देखा और इस सीरीज में मुझे क्या अच्छा और क्या बुरा देखने को मिला, सीरीज हमारे लायक बनी है या फिर नहीं, यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये भी बताऊंगा कि सीरीज में परफॉर्मेंस सारे लोगों का कैसा रहा। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस सीरीज को देखकर मैंने जाना, अगर आप गरीब हैं और जुआ खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बर्बाद ही होने वाली है। सीरीज़ में काफ़ी कुछ दिखाया गया और गाइस काफ़ी कुछ अभी तक नहीं दिखाया गया है, जैसे कि दीपक दशर्मा को अभी सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। दीपक दशर्मा सीरीज़ में है लेकिन उनका अभी हम लोगों को किसी के साथ सीन देखने को नहीं मिला। ऊपर से हमारी मौसी जी का भी इस सीरीज़ में सीन नहीं है, तो अभी सीरीज़ यहाँ पे काफ़ी कुछ दिखाकर भी काफ़ी कुछ नहीं दिखाती। आई होप आप रहे हो गए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी सीरीज में गाइस आप लोगों को सिर्फ दो ही एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसमें से 10-12 मिनट का तो सिर्फ सीन डाला गया है, तो यहां पे सीरीज की स्टोरी ज्यादा कुछ नहीं दिखाती। लेकिन अगर आप लोग इस पार्ट वन को सीन की वजह से देखते हो तो कहीं ना कहीं सीरीज आप लोगों को मजा देगी। इस सीरीज को आज 17 मार्च यानी फ्राइडे के दिन रिलीज कर दी गई है प्राइम प्ले के ऐप पर। और गाइस इस सीरीज में अभी आप लोगों को दो एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 23 से लेकर 24 मिनट के बीच हम लोगों को दिखाई जा रही है। इस सीरीज में आप लोगों को सारे एक्टर एक्ट्रेस का काम बढ़िया देखने को मिलने वाला है। दीपक दशर्मा ने सीरीज में अभी तक अच्छा काम किया। बस आगे चल के दीपक दशर्मा के साथ हम लोगों को किसी का सीन देखने को मिल जाए तो भाई साहब मजा आ जाए। अभी भी सीरीज की स्टोरी काफी अधूरी है, अभी और भी सारे एपिसोड इस सीरीज के आने वाले हैं। गाइस अगर आप लोग चाहो तो इस सीरीज को अभी जाकर देख सकते हो। सीन के मामले में सीरीज काफी कड़क है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को अपनी राय देना चाहता हूं, अभी आप लोग इस सीरीज को मत देखो तो ही अच्छा रहेगा। पार्ट टू को रिलीज हो जाने दो। अगर आप लोग पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को साथ में देखते हो तो सीरीज में सीन तो है ही, इसके साथ साथ दोनों पार्ट्स को मिलाकर सीरीज की स्टोरी काफी कड़क बन जाएगी। फिर अगर आप लोग सीरीज देखोगे तो लिटरली सीरीज आप लोगों को दोनों तरफ से मजा देगी। मैंने अपनी राय आपके सामने रख दी है, अब फैसला आप लोगों के हाथों में है कि आप क्या करोगे। तो बस ये था वो रिव्यू जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, तो इसी के साथ मैं चलता हूं।